ये रॉनी की बहन? कब से? काफी समय से। क्या सोच के तुम हमारी सिस्टर से लव किया? रॉनी ठंडरक भाई ठंडरक। मेरी बात सुनो रॉनी, मेरी बात सुनो। पापा, पर हम वो पटेल को लव करता है। हमसे डिस्कस नहीं करने का। हम क्रिश्चियन हैं और वो गुजराती। सुनो मैन, हम रॉनी का पापा बोलता है। तुम्हें वार्निंग देता है, आज के बाद अगर हमारा छोकरी से बात किया तो हम तुम्हारा पुलिस में कंप्लेंट कर देगा। हेलो मिस्टर रॉनी डिसूजा। यस मिस्टर डिसूजा, आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए प्लीज। यस यस आई एम कमिंग। ओए की हो गया ओए? यार डैड का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ये सब अचानक कैसे? प्लीज टेंशन मत। ओए ठंडा लगता, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। उनका मेजर एक्सीडेंट हुआ है, खून भी बहुत बह चुका है, जल्द से जल्द आपको खून का बंदोबस्त करना पड़ेगा। डॉक्टर क्या आप में से किसी का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है? नहीं, मेरा है डॉक्टर साहब। आइए आपका ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। इनको सोरासिस है, हम इनका ब्लड नहीं ले सकते, आप जल्द से जल्द ओ नेगेटिव ब्लड अरेंज कीजिए। ब्लड अरेंज हुआ? नहीं डॉक्टर, बहुत कोशिश की लेकिन ओ नेगेटिव ब्लड कहीं नहीं मिल रहा है। डॉक्टर मेरा ब्लड लीजिए, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। ओके प्लीज कम फास्ट। चढ़ा दिया है, खतरा अभी तक टला नहीं है, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, बाकी सब ऊपर वाले के। सतनाम शिवा है गुरु। हे वाहेगुरु सच्चे पातशाह, अंकल को ठीक कर लो, अब सब आपके हाथ में है और हम सब दोस्तों की दोस्ती पहले जैसे हो जाए। श्री वाहेगुरु जी जय खालसा, श्री वाहेगुरु जी जय फतेह। ठाकुर जी, मेरे जनी के पापा को जल्द से जल्द ठीक कर दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह रहम, हमारी इबादत कबूल करो।
तकलीफ से वो डरना। श्रीनिवासा गोविंदा, श्री वेंकटेशा गोविंदा, भक्तवत्सला गोविंदा, भागवत प्रिया गोविंदा गोविंदा। हे वेंकटेश्वरा गोविंदा, मेरे फ्रेंड के अप्पा को जल्दी से जल्दी ठीक करो। उनको होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर हैं। लगता है आप सबकी दुआओं का असर हुआ है। पापा, तुम कैसे हैं? पटेल ना बेटा। अंकल जी, शुक्र है रबदा, आपका ब्लड ग्रुप पटेल के ब्लड ग्रुप से मिल गया और इसकी वजह से आपकी जान बच गई। आई एम सॉरी माई सन, मैंने तुमको बहुत गलत समझा। एक्चुअली मैं रिलीजन और कास्ट के दलदल में फंस गया। जेनी, मेरे को ये रिश्ता मंजूर है। मैं किसी के शरीर में जाने से पहले उसका मजहब नहीं पूछता है। फिर हम इंसान ही क्यों मजहब के नाम को लेकर इतना सोचते रहते हैं। जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर बिना जरा रोशनी। साला